बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों, ठीक ठाक होंगे उम्मीद है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 30 है और हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट जो थे वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स में। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रैमर्स रूल। बहुत ईजी इंशाल्लाह, इस तरीके से आपको समझाऊँगा कि ऐसे ऐसे आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की जानब। अभी हम इस लेक्चर में जो है इसका पार्ट नंबर 5 और 6 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट जो है 7 और 8 करेंगे क्रैमर रूल के ज़रिए। और वो फिर ज़रा मैं जल्दी में समझाऊंगा और इधर अभी हम ज़रा बिल्कुल डिटेल के साथ हर चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में करते थे वहाँ पे तो आप ए एक्स और बी लिखते थे, यहाँ पे जस्ट आपने ए की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और ए की हमारे पास वैल्यू क्या है, आपने यहाँ से ए की वैल्यू लिख लेनी है इस तरीके से। क्या करना है, बिल्कुल एक्स के साथ वाला जो नंबर है वो पहले 3 और वाई के साथ -2 है वो, एक्स के साथ -6 है वो लिख लिया, y के साथ 4 है ये लिख लिया, ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम जो आपने करना है क्रैमर्स रूल में वो ये करना है, और उसमें भी ये जब आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करते थे तो आप पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे। जब आपके पास a का डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ ना कुछ नंबर आता था तब आप कहते थे हाँ भी ये क्वेश्चन हम फर्दर इसे करेंगे क्योंकि ये इन्वर्स पॉसिबल है। इसी तरीके से सबसे पहले आप क्रैमर रूल्स के अंदर a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, अगर उसका आंसर 0 के अलावा कुछ आया देन आप फर्दर उसको क्वेश्चन को कैरी ऑन करेंगे, वरना आप वहीं पे स्टॉप करके कह देंगे नो सॉल्यूशन के इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो चलिए जी देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -2 -6 4, 4 3 12, 4 के बाद माइनस का साइन लगाते हैं हम, उसके बाद हम इसको नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। -6 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -(-)+(6)/12, तो देखें 12 - 12 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ गया। और ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स अब ये बन गई है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो लिहाजा हम कह देंगे कि इस क्वेश्चन का इस पार्ट का फर्दर कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, नो सॉल्यूशन। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जानब। पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए लिखनी है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स किस तरह से लिखनी है, पहले एक्स के साथ वाला जो आपके पास कोएफिशिएंट होगा वो लिखेंगे 4, फिर वाई के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 लिखना था, अब अगर कुछ इधर ना राइट किया हो नंबर तो जस्ट आपके पास 1 होता है। उसके बाद x के साथ वाला कोफिशियंट -3, ये देख लिया कि x के नीचे x और y के नीचे y है तभी x वाले पहले कोफिशियंट लिखने हैं और y वाले बाद में, और इधर y के साथ जो 1 है और साथ में इसकी अलामत जो है वो साइन जो है वो भी देखेंगे, माइनस है तो इधर अब माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसके बाद आपने वो x, y और b वगैरह इस क्रैम रूल में नहीं लिखना, ठीक है। अगर कोई लिखना भी चाहता है तो कोई मजायका नहीं है, लिख भी सकते हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं है। अब सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि आप इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, तो चलिए जी ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं यहाँ पे 4 1 -3 -1, तो पहले आप 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -1 -4, 4 के बाद माइनस का साइन, उसके बाद आप -3 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3, और -4 -(+)3, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -1, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट लिया 4 -1 -4,
4 बार माइनस का साइन, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3, माइनस 4 प्लस 3, बड़े जो है हमारे पास नंबर है उसका साइन, और बड़े में से 4 छोटे को निकाल दिया तो माइनस के 1 आंसर आया। अब हमने पढ़ना है जो मेन इसका काम है वो है ए एक्स और ए वाई। अब ए एक्स और ए वाई किस तरह से लिखने हैं? ए एक्स में बेसिकली आपने, आपको पता है कि ए के अंदर जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है वो एक्स के साथ वाले कोफिशियंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड कॉलम वाई है, वाई के जो कोफिशियंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली अब ए एक्स का मतलब है कि आपने जो इधर मैट्रिक्स लिखनी है उसमें एक्स वाला कॉलम नहीं लिखना। भाई जब एक्स वाला कॉलम नहीं लिखना तो उसकी जगह फिर क्या लिखेंगे? तो चूंकि जिस तरह आप देखते हैं कि कोई शख्स होता है, उस फोर्थ हो जाता है, तो उसके बाद जैसे उसका नेम बाकी रह जाता है, तो इसलिए हम समझेंगे कि ये कॉलम हमारा बेचारा गायब हो गया, चला गया, तो उसका सिर्फ इधर नेम बाकी रह गया, इसलिए हमने यहाँ पे ए के साथ एक्स पुट किया है कि भाई एक्स कॉलम हमारा चला गया, और उसकी जगह पर कौन सा कॉलम आएगा? ये वाला 9 - 5। और ये वाला जो कॉलम होगा ये एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आप लिख देंगे। बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए एक्स में क्या करना है, तो उम्मीद है अब आपको भूलेगा नहीं कभी, क्योंकि आप सर सैयद रहमान साहब के स्टूडेंट हैं, और इंशाल्लाह आपको हमेशा ये याद रहेगा कि ए एक्स में एक्स वाले कॉलम को हटाना है और ये वाला कॉलम यहाँ पर पुट कर देना है। अब ए वाई, जैसे ए एक्स में एक्स वाला कॉलम हटाया, चला गया, गायब हो गया, जैसे उसका नेम बाकी रह गया, इसी तरह ए वाई में जो वाई वाला कॉलम है, अब इस मैट्रिक्स को आपने नहीं देखना, असल मैट्रिक्स में से देखना है। असल मैट्रिक्स में से अब वाई वाला कॉलम नहीं आएगा, पहले आपने 4 - 3 लिख दिया, और अब वाई वाला कॉलम नहीं आएगा तो फिर क्या होगा इसकी जगह पे? इसकी जगह पे ये वाला कॉलम जो है 9 - 5 ये यहाँ पर आप पुट कर देंगे। ठीक, अब ए वाई क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास वाई वाला कॉलम चला गया बेचारा, और जस्ट उसका नेम ही बाकी रह गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? ए वाई। इस तरीके से आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, ए एक्स हमारे पास आ गया, ए वाई भी आ गया, अब आपने ए एक्स का भी ले लेना है डिटर्मिनेंट। बहुत आसान, जैसे ए का डिटर्मिनेंट लिया इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट देखें क्या आता है जी, 9 - 1 - 5 - 1। अब 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9, और इसके बाद फौरन बार माइनस का साइन लगाया, और -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, और -9 - -5 इज इक्वल टू -4। ठीक है, बड़े नंबर का साइन और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकाल दिया। अब हमारे पास है ए वाई, अब हमने करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो देखिए जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट आ रहा है 4 - 9 - 3 - 5। अब जी पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट लेते वक्त, 4 - 5 था -20, फौरन बाद माइनस का साइन, उसके बाद आपने नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया, -3 - 9 था -27। ठीक है जी, अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा -20 + 27, और जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास प्लस के 7 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने तकरीबन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जब जस्ट अभी हमने राइट करने हैं इनके आंसर्स, और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। अब जो एक्स होता है वो किधर से आएगा? ए वाई से तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वाई से रिलेटेड है, तो x हमारे पास ए एक्स से ही निकलेगा। तो आपने जस्ट करना क्या है, ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ऊपर लिख देना है, और a का डिटर्मिनेंट से आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास x निकल आता है। ये इसका फॉर्मूला है, और क्रैमर रूल का ये तरीकाकार है। तो अब देखें जी, ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास कितना है, -4, और जो a का डिटर्मिनेंट है वो आपके पास कितना है, -1। तो आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 by 1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि
जो डिवीजन में कुछ ना हो तो वन होता ही होता है, और हम लिखें चाहे ना लिखें, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, फोर। और अब बढ़ते हैं वाई की जानब। वाई हमारे पास होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट, और इसे डिवाइड करते हैं ए के डिटर्मिनेंट से। ठीक है, एक्स निकाला तो ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ऊपर रखना है, और जब वाई निकालेंगे तो ए वाई के डिटर्मिनेंट को आप ऊपर रखेंगे। अब जी ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आंसर आया है, प्लस के सेवन, तो आपने सेवन ऊपर रखे और डिवीजन के बाद बटे के नीचे ए का डिटर्मिनेंट जो कि माइनस वन है वो पुट कर दिया। अब आपको बता रखे कि माइनस इधर हो, इधर या इधर, किसी भी जगह पर राइट कर सकते हैं। तो सेवन बाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस के सेवन, तो आपके पास ये आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू फोर, और वाई की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस के सेवन। आप इन वैल्यूज़ को दोबारा यहाँ पे पुट करके चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ठीक है कि नहीं। देखें फोर, फोर से मल्टीप्लाई, फोर फोर द सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस सेवन इज इक्वल टू नाइन। तो लिहाजा हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है, और उम्मीद है आपको क्रैमर रूल बहुत अच्छे से बहुत आसानी के साथ समझ आ गया होगा, और कभी भूलेगा भी नहीं। दोबारा से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट टू पार्ट हम इसके करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो मैं ज़रा जल्दी से समझाऊँगा, क्योंकि इधर आपने डिटेल से समझ लिया है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स राइट की, फोर इनके लिखे कोफिशेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट लेना बहुत ईजी, और आपके पास अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो नो सॉल्यूशन, और डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू आए तो आप फर्दर करेंगे। फिर ए एक्स, ए एक्स वाली जो कॉलम है वो सारा बेचारा ख़त्म हो गया, और एक्स का सिर्फ नेम बाकी रह देगा। इस कॉलम की जगह पे ये वाला कॉलम पुट कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट लिया ए एक्स का, वो उसकी वैल्यू आ गई। ठीक इस तरीके से अब ए वाई, ए वाई में क्या करेंगे, इसी ए में से अब वाई वाला कॉलम ख़त्म, एक्स वाला रहा फोर माइनस थ्री, और इस जो वाई वाला कॉलम इस ए में से ख़त्म हुआ है उसकी जगह पे ये वाला कॉलम पुट कर दिया नाइन माइनस फाइव। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे आप, उसके बाद एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ऊपर राइट करेंगे, ए के डिटर्मिनेंट को नीचे, माइनस फोर बाय माइनस वन इसे सॉल्व किया फोर, और वाई की जब हम पुट निकालेंगे वैल्यू तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ऊपर और ए का डिटर्मिनेंट नीचे, तो सेवन बाय माइनस वन इज इक्वल टू माइनस सेवन। ठीक है जी, तो हमारे पास इस तरह से ये क्रैमर रूल हो गया, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।